मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। झूठ ही तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति, शांति ओ शांति ओ शांति, शांति ओ। आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज आप इस गाने को सुनकर के समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। जी हाँ, हमारे समय के नौजवान एक्टर ऋषि कपूर जी के ऊपर आज मैं कुछ बोलने आई हूँ, अपने अनुभव और अपनी यादें साझा करने के लिए आई हूँ। ऋषि कपूर, एक अजीब संयोग रहा कि 2 दिन के भीतर हमारी इंडस्ट्री के 2 अहम सितारे, अहम कलाकार हमें छोड़ करके चले गए। 29 अप्रैल को इरफान हमें छोड़ के चले गए और 30 अप्रैल को चिंटू यानी ऋषि कपूर जी हमें छोड़कर चले गए। यह भी एक अजीब संयोग है कि दोनों की का ही निधन कैंसर से हुआ। यह भी एक अजीब संयोग है कि इससे कैंसर के प्रति नकारात्मक भाव रखने वालों को बहुत बल मिलेगा, जो हमसे लगातार कहते रहते हैं कि बड़ा सेलिब्रेटिंग कैंसर, सेलिब्रेटिंग कैंसर करती रहती हो और देखो कि ये कैंसर किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह जानती हूँ कि अभी मैंने कल आपको सुतपा का खत पढ़ाया है और आज मैं ऋषि कपूर के बारे में बोलने आई हूँ। और आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि कोई गा रहा है और उस बच्चे को ऋषि कपूर साहब अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये अस्पताल में बेड पर हैं। तो ये अपने आप में जो जिंदगी की जिजीविषा है, वह जिजीविषा कैंसर से लड़ने वालों को, जो कैंसर के वॉरियर्स होते हैं, उनको यह देता है अंत अंत समय तक अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और इस नोट पर मैं उधर इरफान को भी नमन करती हूँ और इधर आज अपने चिंटू साहब को नमन करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद, जो है 3-4 दिन के बाद मैं क्यों बोल रही हूँ। तो असल में ऋषि कपूर पर बोलना, अपने यादों को और अपने दिनों को ताजा करना। ऋषि कपूर जब आए इंडस्ट्री में, उस समय हम लोग बड़े हो रहे थे, मतलब ये कह लीजिए कि हम लोग अपने टीन में थे। हालांकि छोटी जगहों में क्या टीन और क्या डब्बा, सब टीन डब्बा कनस्तर सब एक जैसा ही होता है। और लड़कियों के लिए तो कोई टीन एज होता ही नहीं है, वो तो बस सीधा जन्म लेती हैं और बड़ी हो जाती हैं। तो वैसे में ऋषि कपूर हम लोगों के मन में एक रोमानियत भरने के लिए आए। हम लोगों के भी मन में कहीं ना कहीं एक रोमांस पनपने लगा, वो रोमांस जो किसी और को देख करके नहीं पनपता था। शायद थोड़ा बहुत वो राजेश खन्ना में था कि राजेश खन्ना एक लड़कियों के लिए एक दीवानगी लेकर के आए थे, लेकिन ऋषि कपूर में जो एक भोलापन था, जो एक क्यूटनेस थी, वो क्यूटनेस जो है वो कहीं से हम लोगों को लगता था कि, जिसे कहते हैं ना, कि चॉकलेटी बॉय। और ये चॉकलेटी बॉय का तगमा जो है पहले विश्वजीत को मिला था, उसके बाद लोग इनके बारे में कहते थे कि एकदम चॉकलेटी हीरो है, चॉकलेटी हीरो है। हमें तो पता ही नहीं चलता था कि चॉकलेटी हीरो क्या बला होती है, लेकिन चॉकलेटी हीरो है। तो वैसे में ऋषि कपूर हम लोगों के दिलों में धड़कन बढ़ाने के लिए आए, और बढ़ाने के लिए किस फिल्म के माध्यम से आए? बॉबी फिल्म के माध्यम से। इतनी धूम थी हमारे शहर में, और हमारे जो मॉरल पॉलिस कहते हैं कि आज मॉरल पॉलिसिंग लोग करते हैं, उस समय भी मॉरल पॉलिसिंग करने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि ज्यादा थी। हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने एक बड़े सज्जन रहते थे, नाम केवल सज्जन है, बल्कि सज्जन का स हटा दीजिए, दू लगा दीजिए, तो दुनिया का कोई ऐसा ऐब मत था जो उस व्यक्ति में नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा मॉरल पुलिसिंग वो करने आता था, और हमारे घर में हम सबसे आता आया और उसने कहा कि मेरी माँ से कि प्रदीप की माँ इनको जो है ना, रीता विभा को, रीता जो मेरी मुझसे बड़ी बहन है, रीता विभा को बॉबी फिल्म मत दिखाइएगा। क्यों? नहीं तो उसमें जो है ना हीरोइन छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, इतने इतने कपड़े पहने हुए हैं।
अरे मुझे तो इतना गुस्सा आया, लेकिन चूंकि हम लोगों को सिखाया जाता है ना लड़कियों को कि आप बोल नहीं सकते, तो मैंने कहा नहीं कुछ भी। लेकिन उसके बाद जो है ये तय हुआ कि जो मोहल्ले की भाभियां और दीदियां और सब हैं तो वो लोग सब फिल्म देखने जाएंगी तो हम लोग नहीं जाएंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम उनके साथ, हम दोनों बहनें गए, और दोनों बहनें, ये 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी बॉबी, और हमारे शहर में वो 74-75 में आई होगी, एक दो साल बाद से लेट से वो हम लोगों के यहाँ छोटे शहरों में फिल्म आती थी। जबरदस्त भीड़ थी, क्योंकि वो क्रेज जो है वो ऋषि कपूर का क्रेज, और ऋषि कपूर का क्रेज क्या कि उसके बाद के राज कपूर का बेटा है, और राज कपूर के का बेटा जो पहला रणधीर कपूर, तो रणधीर कपूर आए हैं लेकिन वो इंडस्ट्री में चल नहीं पाए हैं, और ये तो बड़ा अच्छा है और ये है, और जो लड़की आई है डिम्पल कपाड़िया वो भी बड़ी अच्छी क्यूट सी है और बड़ी प्यारी सी है, और ये वो। हम जब पहुंचे तो यूं ऐसे करके जो है वो टिकट खिड़की के पर जो है वो भीड़ थी। अब हम लोग कहाँ से कैसे जाते, वहाँ पे हमारे साथ नमूदार हुए हमारे बड़े भैया और बड़े भाई, मतलब जो दो भाई हम लोग थे, तो उसमें जो छोटे भैया थे लेकिन हमसे बड़े उम्र में, तो वो आए और उन्होंने देखा, कहा कि अरे रीता विवाह तुम लोग के पास टिकट नहीं है? हमने कहा नहीं, तो दो लेकर के आते हैं। और उन्होंने पैसे लिए, पता नहीं अपना कैसे कूद फांद करके जैसे भी होगा वो टिकट लिया, और टिकट ले करके हम लोगों के हाथ में थमा दिया। और उस दिन हमने कहा के भाई हो तो ऐसा, और हम फिर हम लोगों ने जो है वो बॉबी फिल्म देखी। बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो, डन डन डन, और चाबी खो जाए। और जो हम तो उस फिल्म के, हम क्या कि पूरा शहर उस फिल्म का दीवाना, और इस तरीके से ऋषि कपूर हम लोगों के मन में आ गए। और फिर जो है उसके बाद जो है कि 73, उसके बाद तो फिर फिल्में उनकी आती रही, लेकिन उसके बाद जो है वो बॉबी में जो है वो शैलेंद्र सिंह ने उनकी आवाज़ दी थी, और उस समय वो शैलेंद्र सिंह भी नए नए थे, और उनकी आवाज़ ने उन्हें बड़ा मुतासर किया था। उन्होंने कहीं अनाउंसमेंट भी किया था कि मैं अब से अपने सारे प्लेबैक जो है वो उनसे करवाऊंगा, और मुझे तो जो है, मुझे पता नहीं, शुरू से ही मुझे वो आवाज़ बहुत पसंद आती थी। जब किशोर कुमार ने उनको अब प्लेबैक करना शुरू किया, और जब 1980 में कर्ज फिल्म रिलीज हुई थी, और उसके बाद जो ये गाना आया मेरी उम्र के नौजवानों, तो लगा कि हाँ ये है। और वो जो है, और जो डिस्को और जो वो था, और उस पर जो डांस करते हुए जो ऋषि कपूर आते हैं और जो डांस करते हैं, उफ लगता था कि जैसे कि हम सब उछल करके कूद करके जो है स्क्रीन के भीतर चले जाएं और फाड़ दें, और वहाँ पर हम लोग भी है वो डांस करने लगे। तो ऋषि कपूर बहुत, कोई हम उनको ये नहीं कहेंगे कि बड़े अच्छे एक्टर थे या कुछ ऐसा था या कुछ वैसा था, लेकिन कुछ तो था कि जो हम लोगों को बहुत आकर्षित करता था, शायद उनकी क्यूटनेस। वो बड़े मासूम से लगते थे, और हर फिल्म में बड़े मासूम से लगते थे, तो वो मासूमियत शायद हम लोगों को अच्छी लगती थी। और उसके बाद जो है कि हमने कुछ, बहुत सारी फिल्में हमने उनकी नहीं देखी, लेकिन जो भी देखी वो हमें बड़ी पसंद आई। फिर हमने देखी कभी कभी, और कभी कभी का तो हमने आपको एक वाकया बताया है कि कैसे हम लोग कॉलेज से छुप करके, और जिंदगी में पहली फिल्म वो देखी थी हमने, और डर के मारे हम लोगों की हालत ख़राब थी। तो कभी कभी, और वो गाना जो है कोई हमें अभी भी उनका गाना कभी कभी का, वो गाना तेरे शीशे जैसा अंग तेरे पर, तेरे शीशे जैसा अंग तेरे सोने जैसा रंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग, आते जाते करे तंग तेरे अच्छे नहीं ढंग, मैं तो करूंगी सगाई किसी दूसरे के संग, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, हो मेरे होते कोई और करे तेरे बारे गौर, ये ना होगा किसी दौर चाहे चले छुड़िया। और ये जो छुड़िया वाला जो ऐसे करते थे, तो हम लोगों के भी मन में लगता था कि छुड़िया चल जा रही हैं। और इस तरीके से जो है वो कभी कभी जो है, कभी कभी अपने आप में एक बड़ी गजब की रोमानियत, रोमांटिक फिल्म थी, और बल्कि इसीलिए हम लोगों को शहर में कहा जाता था कि नहीं 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 लड़कियों को मत दिखाइए, लड़कियां बहक जाएंगी, कि सारा बहकने का जो है खतरा लड़कियों का होता है, लड़कों के साथ को ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो हमने मान लिया है। तो वही एक कारण था कि हम लोग कैसे भी करके वो फिल्म हम देखना चाहते थे, और हमने वो फिल्म देखी थी। ऋषि कपूर ने हर हीरो अपने अपने समय में, हर स्टार जो अपने अपने समय में कुछ
फैशन स्टेटमेंट देते हैं, कुछ अपनी जो है अपनी चीज़ें चलाते हैं, जैसे राजेश खन्ना का अलग था उनका जो है कि वो कुर्ता और वो ऐसा एक हेयर स्टाइल, और ये ऋषि कपूर ने जो चलाया था वो ये स्वेटर, और स्वेटर हर फिल्म में वो नए नए डिज़ाइन के स्वेटर पहनते थे, पहन के आते थे। और महिलाएं हम जैसी, जब मैं भी हर सीजन में 20-25 स्वेटर बनाने वाली, मैं तो यूं दूर से देखती थी कि कोई आ रहा है तो मैं वो दूर से उसको देखते हुए उसका कुछ नहीं देखती थी, सिर्फ उसका स्वेटर का डिज़ाइन देखती रहती थी, और वो जितनी देर में वो चल करके आता था उतनी देर में जितना मुझे समझ में आता था और उतना मैं देखती थी, और तुरंत भाग करके घर में सिलाई पे जो है वो फंदे चढ़ाती थी, और फंदे चढ़ा करके और जितना देखा जितना समझा उससे उसके पैटर्न बनाने की कोशिश करती थी, मोरलेस बन जाता था। उसी तरीके से महिलाएं जो है सिनेमा हॉल में, अरे आई ऋषि कपूर ई वाला स्वेटर पहन गया, एक डिज़ाइन देखी ना, एक पैटर्न देखी ना, कितना बढ़िया लगे, और वो पैटर्न कितना बढ़िया लगे है, और चक्कर में जो है कि सारी महिलाएं जो है वो गौर से देखती थी कि इसने किस डिज़ाइन का पैटर्न का स्वेटर पहना, और कोशिश करती थी कि घर से आ करके उस पैटर्न को उतारा जाए। तो वो उन्होंने रंग बिरंगे स्वेटर का जो है वो हमें स्टेटमेंट दिया। उसके साथ जो है ये स्कार्फ लंबे लंबे स्कार्फ जो है वो देने, और स्कार्फ को जो है गर्दन में ऐसे लगा करके, ऐसे करके और ये सब जो है वो करके उन्होंने दिए। हैट भी जो है उन्होंने अपने अलग अलग किस्म के दिए। तो वो ये सब उनके अपने फैशन स्टेटमेंट थे। एक और चीज़ मुझे जो समझ में आई, और वो ये कि हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी जो है वो घुंघराले बालों की उतनी पूछ नहीं है। भले मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो है घुंघराले बाल बहुत पसंद है, शायद ये कारण रहा होगा कि मुझे ऋषि कपूर बहुत पसंद आते थे, मुझे संजीव कुमार भी बड़े पसंद आते थे। संजीव कुमार एज एन एक्टर तो वो तो खैर एक अलग ही चीज़ थे, लेकिन उनके घुंघराले बाल जो है वो मुझे बहुत पसंद आते थे। घुंघराले बाल मेरी कमज़ोरी है, ऋषि कपूर के साथ भी घुंघराले बाल जो है वो मेरी कमजोरी है, वो मुझे बहुत जो है उनको देखने में अच्छा लगता था। मैंने इंडस्ट्री में जो है वो संजोग देखे कि इरफान के भी बाल घुंघराले हैं, तो ये घुंघराले बालों के कारण भी जो है ये सब एक्टर मुझे बहुत पसंद आते थे, और अपने अपने काम के अपने अलग अलग जॉनर के साथ। संजीव कुमार का एक अलग था, इरफान का अलग था, ऋषि कपूर का अलग था, और उस तरीके से जो है मैंने जो है जो ऋषि कपूर को देखा, और उसके बाद मैं ऋषि कपूर को सबसे अच्छा जो है मुझे लगा, मैंने बहुत सरगम वगैरह फिल्म नहीं मैं देख पाई थी, लेकिन सरगम का वो जो गीत अभी भी जो है वो डफली वाले, वो तो मतलब वो डफली बजाते हैं, डफली वाली डफली, और उसके बाद हमारे मन में डफली बजने लगते हैं, हमारे कदम जो है वो ऑलरेडी ऐसे थिरकने लगते हैं। फिर चांदनी, ओ मेरी चांदनी, मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख लिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, चांदनी, तो लगता था जैसे कि हालांकि चांदनी बहुत बाद की फिल्म थी, तब तक तो हम लोग जो है वो उस रोमांटिक एज से गुजर गए थे, लेकिन रोमांस रोमांस है, रोमांस के लिए कोई उम्र की कोई ज़रूरत नहीं होती है, रोमांस हर समय में आप कर सकते हैं। तो उस तरीके से जो है वो हमें इतने भाए थे, और उसके बाद जो है मुझे सबसे अच्छे लगे थे एक चादर मैली सी, और उस एक चादर मैली राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास पर वो फिल्म बनी थी, और उसमें जो उनका किरदार था, जो एक एक गंभीर किस्म का किरदार के एक देवर एक और जिससे उनकी भाभी की शादी हो जाती है, और वो जो तमाम उलझने हैं, और जो जो मनोवैज्ञानिक चित्रण जो होता है, और वो उसमें जो है वो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था। तो आज उसके बाद जो है वो धीरे 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 जाहिर है कि एक उम्र होने के बाद वो हीरो और कहीं उनको वो लगने भी लगा था कि वो कितना मैं रोमांटिक बना रहूँगा, और कितना मैं जो कहा जाता है ना कि पेड़ों के पीछे जो है हीरोइनों के पीछे पेड़ों के चक्कर लगाऊंगा, हीरोइनों के पीछे भागूंगा। बाद में वो कैरेक्टर एक्टर के रूप में आए और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में ली, चिंटू और मुल्क तो उनकी जो है वो बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत याद रखी जाने वाली फिल्म है, और अभी भी लगातार वो काम कर रहे थे और फिल्में दे रहे थे। लेकिन फिर से वही कहा जाता है कि
जिसकी जितनी उम्र है, जिसकी जितनी सांस है, उसके साथ वो आ रहे हैं। लेकिन मैं वही देख रही थी कि जो एक क्योंकि जिंदा जिंदा दिली जो है वो जिंदा दिली जाती नहीं है, और कैंसर मरीज की जिंदा दिली कभी भी नहीं जाती है, कैंसर फाइटर्स की जिंदा दिली कभी नहीं जाती, इसलिए वो कैंसर वॉरियर्स कहलाते हैं, इसलिए वो कैंसर अचीवर कहलाते हैं हमारी तरह। तो आज इन बातों के साथ, अपनी यादों के साथ ऋषि कपूर जी को याद करते हुए, और मुझे उनके उस सारी जो क्यूटनेस है उस क्यूटनेस को ध्यान में रखते हुए और देखते हुए, आज मुझे लगा कि अब मैं आपके सामने आऊं। लेकिन क्योंकि 2-3 दिनों से मन बहुत ही ये लग रहा था, और मैं नहीं चाह रही थी कि इतने प्यारे अपने क्यूट क्यूट चिंटू जी जैसे एक्टर को मैं बहुत गमगीन तरीके से नहीं याद करना चाह रही थी, मैं एक उत्सव की तरह याद करना चाह रही थी उनको, और उनकी 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 प्यारी 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 छवि को, उनके प्यारे प्यारे उनके काम को, और एक 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 एक, एक जो उन्होंने एक अपना एक जॉनर बनाया, उस सारे जॉनर के साथ मैं बात करना चाह रही थी आप सबसे। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और आप सब जो है अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि पता है ना कि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, धन्यवाद, शबा खैर।